टर्न में टर्न हाँ भैया सामने हाँ इधर भैया सामने भैया सामने भैया इधर सामने आते हाँ भैया सामने हम देखें डालस में इधर आप साथ में गुजरा ठीक है सामने ये सामने ले पाई हाँ भैया साथ ठीक है ना सारा इकट्ठा आइए अभी आज हमारे बीच में जम्मू कश्मीर में जो हरमिंदर दालोवाल जी जो के इंटरनेशनल FIF के जज हैं और जितनी भी हमारी पावर लिफ्टिंग की कंपटीशन है उनमें जजमेंट के लिए इनको बहुत बेहतरीन के जाना जाता है और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे बीच में कठुआ की धरती पे आ जाए हैं। हम जम्मू कश्मीर में आने के लिए इनका वेलकम करते हैं और यही दुआ करते हैं भगवान से वाहिगुरु से अल्लाह ताला से कि ये हमारे जो बीच में आज यहाँ पे पहुँचे हैं यहाँ से हमारे इनके साथ में इंटरनेशनल प्लेयर जाएं और वहाँ पे जाके हमारे जो बच्चे हैं कठुआ के जम्मू के वो जाके वहाँ पे पावर लिफ्टिंग वगैरह जितने भी कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करें और जितना भी इनसे हम सहयोग है वो चाहेंगे। ये हमारे पास दूसरी बार आए हैं, एक बार पहले भी आए थे जब अपना मिस्टर J&K का कंपटीशन हुआ था उसमें जे अपना जज थे और इन्होंने एक बहुत ही अच्छे डिसीजन दिए थे और इसके लिए भी हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि पहले भी जे हमारी धरती पे आ चुके हैं। और बाकी जे आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे जे इनके कुछ अपने मुद्दे हैं जो इनके टीम के रिलेटेड हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। मैं तुहाडा सारा मीडिया का शुक्रगुजार हाँ तुसीं अज इत्थे आए जो अज दी कवरेज होगी तुहाडे राहीं सारे जो जम्मू कश्मीर के वासी उन्हां तक पहुँचूगी तुहाडा तहे दिलों मैं ते मेरी टीम धन्नवादी हाँ। अज असीं इकट्ठे होए हैं इत्थे कठुआ विखे मैं हरमिंदर दुल्लोवाल फिटनेस इंटरनेट फैडरेशन का इंडिया प्रेजिडेंट इंटरनेशनल जज मिस्टर एशिया गोल्ड मैडलिस्ट हाँ। तो इत्थे अज असीं FIF की जिहड़ी टीम आ जम्मू कश्मीर की फैडरेशन आ उहदे बारे सारे जिन्ने मैंबर आ उन्हां नूं बकायदा उन्हां दी डेजिग्नेशन दे के उहदे बारे रूबरू करवावांगे कि आउण वाले समें च असीं किहड़ी किहड़ी साडी टीम होगी तो वो किहड़े किहड़े डिस्ट्रिक्ट असीं कवर करांगे तो फैडरेशन बॉडी बिल्डिंग नूं लैके जम्मू कश्मीर जिन्ने बॉडी बिल्डर आ उन्हां नूं की फैसिलिटियां ते की किस तरह के जिहड़े आ वो कॉम्पीटिशन करवाऊगी क्योंकि बॉडी बिल्डिंग नूं लैके बहुत सारी फैडरेशन अगे आ रही पर उहदे विच की रहिंदा है एथलीट नूं जिहड़ा हैगा आ उन्हां दा बणदा जो
मुकाम आ वह नहीं दिता जाता, बन दिया जो अचीवमेंट आ जो जिदे हकदार वह नहीं दिता जाता। सो एफ आई एफ एक इंटरनेशनल फेडरेशन है जो कि सिंगापुर बेस्ड हैगी आ, तो ये असी अलग अलग इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं, पूरे एशिया से फेडरेशन आ, इस तो अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सारिया कंट्रिया हैगी आ। तो ये इंडिया के जी बारहवीं स्टेट हैगी जी असं अजे मीडिया राही सारे आम जनता तक पहुँचावे। ये अज जे साडे मैंबर साहबान रहेंगे वो सब तो पहला रहूगा साढ़े दिलप्रीत जी जो कि स्टेट प्रेजिडेंट ने, उस तो बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जतिन कुमार जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ वाइस प्रेजिडेंट रहेंगे, तीसरे नंबर पर आते मनवीर सिंह जनरल सैकटरी कठुआ, चौथे नंबर पर आते सोनू शर्मा कैशियर जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, जसबीर सिंह मैंबर होणगे, नितिन अंदोत्रा स्टेट वाइस प्रेजिडेंट होणगे। इहदे नाल नाल भाजी दीआं सारीआं जो इन्हां दा आशीर्वाद आ उह साडे नाल रहूगा, तां इन्हां दी बदौलत ही असीं इत्थे, मैं पहलां वी आ चुक्कियां आ तां दूसरी वारी आया, तो इन्हां दी बदौलत ही अगे कोशिश आ कि हर मंथ असीं अलग अलग कॉम्पीटिशन करवाईए, साल दे 8 to 10 कॉम्पीटिशन करवाईए, तां कि बॉडी बिल्डिंग बारे जो गलत भावनावां समाज विच वी बॉडी बिल्डिंग एक जड़ी नेचर तो हट के आनू असी जाणू करवाईए, क्योंकि समाज इस चीज़ में बहुत नैगेटिव समझा जाता, पर असी उस चीज़ में बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पीटिशन सारा एक्सप्लेन करांगे कि हुंदा है बॉडी बिल्डिंग, असल च है की आ, एथलीट तो लखा रुपया लिया जाता है। साडी फैडरेशन जी हैगी तकरीबन यह अज तो 2014 तो स्टार्ट आ, अलग अलग कंट्रियां च एथलीट मेरे राही पार्टीसपेशन कर चुके, हुण तक 250 to 300 एथलीट एशिया लैवल तक पार्टीसपेशन कर चुके। आम फैडरेशन की करती है वो लखा रुपया लेंदी एथलीट को, पर साडी फैडरेशन दे विच इस तरह का कुछ नहीं है। दूसरी गल जिहड़ा कैश प्राइज़ आ, अदर कंट्री जो बंदा कैश प्राइज़ विन करता है वह कैश प्राइज़ भी फैडरेशन रखती है, ये इस तरह का कुछ नहीं हुंदा। एक खासियत की आ कि प्रो कार्ड जिहड़े आम फैडरेशन दिते जांदे उहदी फीस हुंदी आ, एफ आई एफ फिटनेस इंटरनेशनल फैडरेशन विच प्रो कार्ड की कोई फीस नहीं हैगी, उल्टा उन्हां नूं प्रो कार्ड अचीव करके उहदे विच जिहड़ियां बणदियां फैसिलिटी आ उह दित्तियां जांदियां आ। तो दूसरी गल कि जम्मू कश्मीर च बॉडी बिल्डिंग का स्टार्टअप आ, काफ़ी कॉम्पीटिशन होंगे, बट जो अदर स्टेट होंगे उस दे मुकाबले इतने नहीं होंगे। असी जो ये चीज़ शुरू करांगे तुहाडे रूबरू जो होंगे रहे तुसी लोगों तक साडियां गल्लां, क्योंकि तुहाडा तुसी एक जरिया हो सारे मीडिया जो तुहाडे राही असी अपनी गल आम जनता तक आम पब्लिक तक पहुँचा सकेंगे। तो बाकी अज इतने जिन्हें साडे ऑफिशियल होणगे उन्होंने बकायदा उन्होंने जो डेजिग्नेशन के सर्टिफिकेट है उन्होंने जो बैज टाई है सारे वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो धन्यवाद तुहाडा, सा प्रोटीन की डिमांड करती है, बॉडी नूं नहीं पता वेज की है नॉन वेज की है। उदाहरण के तौर पर एक बाइक ने चलना उन्हें पेट्रोल या डीजल की डिमांड करनी, बाइक यह नहीं कहती कि मैं इस जगह तो दो, इदे साडी बॉडी नहीं, साडा ब्रेन सानू मैसेज दिंदा कि वेज खाना नॉन वेज नहीं खाना, मतलब बॉडी नूं प्रोटीन चाहिए, चॉइस मेरी है मैं कितों देना, वो मैं वेज तो देव नॉन वेज तो देव, मैं दालों तो देव सब्जियों तो देव हरी जितों मर्जी देव, मेरी चॉइस आ वो। पर जिहड़े वेज सोर्सिज आ उन्हां थोड़ा लभना मुश्किल हुंदा है, कि जिद्दां भीड़ दे विच इक हीरा लभना मुश्किल आ, इदां वेज जिहड़े सोर्सिज आ लभने मुश्किल हो जांदे, बट तुसीं चाहो ते तुसीं हर चीज़ कर सकदे आ। तुसीं जदों एक सोच रख लैंदे आ कि मैं अगे वधना, तो तुसीं अगे वधोगे, तुहाडी जिहड़ी पॉजिटिविटी आ उह तुहानूं वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर की एक अच्छा इंसान तुहानूं बना सकदा। अज की डेट के देखिए मेरा यह मैसेज रहेगा कि बच्चा जिहड़ा है पैदा हर कोई 3 to 4 किलो का होंगे, घर एक एक इट न बनता, बिल्डिंग 40 मंजिल की बिल्डिंग 100 मंजिल की एक एक इट न बनती, बॉडी बिल्डिंग भी यही है, तुम रोज़ एक एक स्टैप जिहड़ा चलना आ ता करके तुसी बॉडी बिल्डर बन सकते, क्योंकि जिनी देर तुसी हार्डवर्क नहीं किया जिनी देर तुसी एक एक इट नहीं लगाई तुहाडी बिल्डिंग नहीं बननी। छोटा बच्चा ABC तो स्टार्ट हुंदा आ, फिर जाके वो अपना सेंटेंस अपने स्पैलिंग सही कर सकता है। तो बॉडी बिल्डिंग भी इदा ही आ, जे तुसी बिना हार्डवर्क के अगे आगे तुहानू उस सोर्स की उस जिहड़ी डेजिग्नेशन आ उह जगह की कदर नहीं होनी, क्योंकि हार्डवर्क तो बिना तुसी कभी अगे आ ही नहीं सकते। सो युवा नू इह रहूगा कि अपने दिमाग च एक पिक्चर बना लो कि घर जिहड़ा एक इट ना बनना, एक एक इट बिल्डिंग बना दिंदी आ, ए तो शुरू हो के तुसी जेड तक लिखना है, फिर तुसी सेंटेंस बनाना सीखोगे। दुनिया की कोई चीज़ इदा दी नहीं हैगी जिहड़ी तुसी एक दिन या एक घंटे च कवर कर दोगे, क्योंकि दिन चढ़िया हर एक इंसान नू देखदा, रात पिछे किदां दी सीगी वो किसी नू नहीं देखदा। सो हमेशा हौसला रखो, तुसी जो चाहोगे वो तुसी अचीव कर सकते, बट तुहाडा हार्डवर्क।